लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड 1,100 करोड़ कैश और भारी मात्रा में गहनों की बरामदगी की है। ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ये बरामदगी 2019 के चुनाव के दौरान जब्त किए गए 390 करोड़ रुपए की तुलना में 182% ज्यादा है। ये रकम अभी और भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, आयकर विभाग को ये बड़ी सफलता मिली है। लोकसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर बरामदगी की गई है। बताया ये जा रहा है कि 1100 करोड़ रुपए कैश और भारी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। मुकेश, इस बार ये भारी बरामदगी हुई है, क्या एजेंसियां ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं या फिर इस बार कैश और ये सब शराब ड्रग्स ज्यादा चले हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं। जब से आचार संहिता लगी है तब से लगातार जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं, चाहे वो पुलिस हो या बाकी एजेंसियां हो, सभी चुनाव को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक बड़ा डेटा सूत्रों के मुताबिक जारी दिया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि जब से आचार संहिता लगी है तब से लेकर अब तक जो आयकर विभाग है वो करीब 1100 करोड़ रुपए कैश बरामद कर चुका है और बड़ी मात्रा में गहने बरामद हुए हैं। ये डेटा जो है, ये जो कैश है, ये 2019 के चुनाव के मुकाबले 189% ज्यादा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 390 करोड़ रुपए बरामद किया गया था, लेकिन ये आंकड़ा उससे करीब 182% ज्यादा है। और जो आयकर डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक अभी 4 जून तक जब तक वोटिंग नहीं होती है तब तक उनकी जो कार्रवाई है, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो जारी रहेंगे, तो अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। ये जो कैश मिला है ये देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बरामद हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक जो 1100 करोड़ रुपए कैश मिला है उसको जब्त कर लिया गया है, जो गहने मिले हैं उनको भी जब्त कर लिया गया है और लगातार उनका जो ऑपरेशन है वो जारी है। बिल्कुल मुकेश, जितना मुझे याद है जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था, कुछ ही चरणों का चुनाव हुआ था उस वक्त, उसी समय ये डेटा सरपास कर चुका था। 2019 में जितना कैश और ड्रग्स बरामद हुए हैं वो डेटा अभी कुछ ही दिनों में सरपास हो गया था। देखिए, बिल्कुल, इस बार जो है कैश बहुत ज्यादा मिला है और खास तौर पर साउथ की तरफ से कैश ज्यादा मिला है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो लगातार जैसे ही आचार संहिता लगी उसके कुछ ही दिन बाद जो कैश का डेटा था वो 2019 के मुकाबले पार कर गया था, लेकिन चुनाव खत्म होते होते अब जो चूंकि 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग है, 7वें चरण की वोटिंग है, तब तक ये आंकड़ा जो है 1100 करोड़ पर पहुंच गया है और इसके साथ में बड़ी मात्रा में गहने मिले हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक अभी ये कार्रवाई जारी है और 4 जून तक हो सकता है कि ये जो डेटा है, ये जो कैश की बरामदगी है, ये कहीं और ज्यादा हो जाए, साथ में जो गहने बरामद हुए हैं वो कहीं और ज्यादा हो जाए, क्योंकि लगातार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑपरेशन हैं वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। शुक्रिया आपका मुकेश सिंह सेंगर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आयकर विभाग को अब तक 1100 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है।